हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग खमागड़ी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी सुबह के 10 बजे हुए हैं और मैंने जस्ट अपना सारा काम किया है और आज अष्टमी है तो मेरा फास्ट भी है आज। तो मैंने बस अभी जोत करी है माता जी की, तो जोत कर ली है और अब मैं जाऊँगी स्कूल। तो फटाफट से रेडी हो जाती हूँ क्योंकि मुझे 10:15 बजे निकलना होता है घर से, तब जाके मैं 10-15 मिनट लग जाते हैं मुझे स्कूल जाने में। और पहले मोना का लंच देख के आऊँगी स्कूल में, उसके बाद में मैं अपनी स्कूल में जाऊँगी। तो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, अदरवाइज़ लेट हो जाऊँगी मैं। तो मैं हो गई हूँ रेडी और अब बस 10:05 बजे। वैसे मुझे तैयार होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ओनली 5 मिनट चाहिए मुझे तैयार होने में। बस ड्रेस चेंज करनी होती है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। और मेरा पिंपल देखो, बहुत दर्द होता है इसमें। तो अब बस का लंच मैंने रेडी कर लिया है और अब बस पहले मोना की स्कूल जाऊंगी, मोना को लंच दूंगी और उसके बाद में मैं निकलूंगी अपनी स्कूल के लिए। एंड पता है बच्चे ना स्कूल में बोलते हैं, अधिकतर बच्चों को सबको पता है कि मेरा यूट्यूब पर चैनल है, तो सब बोलते हैं कि मैम व्लॉग बना लो, बट नहीं यार मैं नहीं बनाना चाहती स्कूल में। आ गई थी मैं 12:15 बजे आ गई थी स्कूल से, और फिर आके आज जैसे कि व्रत है तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी मुझे। तो बस जस्ट मैंने खाना खाया है और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि उसके बाद में मुझे काव्या और मोना भाई से को लेने के लिए स्कूल जाना है। और फिर उसके बाद में सिया भी आ जाएगी, तो वो आए तब तक मैं थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेती हूँ, आधा घंटा रेस्ट करूँगी, देन उसके बाद में कोई काम करेंगे। 4 बजे हुए हैं और अभी जस्ट मैं उठी हूँ, इतनी गहरी नींद आई ना मुझे। और आज विकार में बारिश भी हुई है, थोड़ी बहुत हुई है बारिश, बट हुई है तो थोड़ी सी ठंड हो गई है। बारिश जब आती है ना तो बहुत अच्छी वाली नींद आने लग जाती है। तो अभी बस जस्ट मैं चाय पी रही हूँ और फिर करूँगी कि जो पिछला वाला व्लॉग था वही कंटिन्यू कर रही हूँ अभी, क्योंकि उसके बाद में मैंने आज संडे था तो संडे वैसे ही आप सब लोगों को पता है कि हैक्टिक डे हो जाता है। तो आज सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया एंड बहुत सारे कपड़े धोए और काम बहुत सारा हो जाता है संडे को। तो अभी बस से, और आज बीकानेर में बहुत अच्छी वाली बारिश हुई है और अभी भी हो रही है बारिश, बहुत तेज़ हुई है, अच्छी बारिश हुई है। तो अभी लाइट्स भी, अभी लाइट चली गई है, वैसे तो जाती नहीं, और देखो मैं पूरी गीली हो चुकी क्योंकि बाहर वाला गेट खुला था, मम्मी और अभी गाँव गए तो वो बाहर वाला गेट खुला रह गया था, तो बंद करके ही बंद करके आई और इतनी सी देर में मैं पूरी गीली हो गई, इतनी तेज़ वाली बारिश आ रही थी। अभी तो थोड़ी कम हो गई है, मस्त मौसम हो गया, ठंडा ठंडा, बट लाइट चली गई। तो मम्मी वगैरह कुछ चले गए हैं और बच्चे भी सब लोग चले गए उनके साथ में गांव, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, 1-2 घंटे में आ जाएंगे, उनको मम्मी और को छोड़ने गए ये, तो उनके साथ सब बच्चे चले गए गाड़ी में कि हम भी जाएंगे, अभी आ जाएंगे 1-2 घंटे में, जब तक मैं अकेली हूँ आज घर पर। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, बट लाइट नहीं आ रही और लाइट के बिना इस घर में बहुत अंधेरा सा हो जाता है, देखो कितना अंधेरा हो रखा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो देखते हैं क्या करेंगे, ब्लॉग्स वगैरह एडिट कर लूँगी, छत पे चलते हैं, मैं आपको छत पे दिखाती हूँ। देखो यहाँ से भी पानी आ गया खिड़कियों में से, अभी भी आ रही है बारिश, तेज़ नहीं है बट आ रही है अभी भी बारिश। तो अभी 5:30 बजे हुए हैं और बारिश तो आके चली गई, एंड ये लोग भी अभी नहीं आए हैं गांव से, और मुझे राखियाँ भी ख़रीद के लेके आनी, तो सोच रही हूँ कि जाऊँ या अभी जाऊँ या फिर कल जाऊँ, क्योंकि अभी अगर मैं ले आती तो कल इनको दे देती, ये पोस्ट करवा देते, या फिर मैं खुद ही जाके पोस्ट करवा के आ जाती, बट अभी राखी मैं लेके भी नहीं आई हूँ। एंड सोच रही हूँ क्योंकि मार्केट तो जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा मैं यहीं से लेके आऊँगी राखियाँ। तो देखते हैं, अभी जाना होता है कल, सोच तो अभी कर रही हूँ क्योंकि अभी कोई घर पे भी नहीं है और मैं अकेली हूँ, तो फिर इससे अच्छा कोई काम ही कर लूँ, तो देखते हैं। तो राखी लेके और मैं डायरेक्ट चली गई थी भाभी सा के घर पे, क्योंकि घर पे भी लाइट नहीं आ रही थी और फिर मुझे थोड़ा डर लग रहा था अकेले, क्योंकि नाइट थोड़ी रात हो गई थी,
ज़्यादा तो नहीं हुई थी, बट थोड़ी रात हो गई थी इसलिए मैं भाभी से के घर पे आ गई सीधी, क्योंकि ये भी बहुत लेट हो गया था इनको गांव से आते हुए। और अभी देखो भाभी से का मकान बन रहा है, तो अभी सब मैसी मैसी पड़ा है, क्योंकि जब मकान घर में काम चलता है तो ऐसे ही रहता है। और अभी टाइल्स वगैरह लगनी बाकी है, ओनली 3 रूम में टाइल्स लगी है और किचन में लगी है और हॉल में अभी भी टाइल्स लगेंगी। और अभी तो काफ़ी काम पड़ा है और रूम मकान मतलब ये पास वाले रूम मकान में रहते थे, सॉरी मैं रूम बोल रही, पास वाले मकान में रहते थे, बट अब इसमें शिफ्ट कर लिया इन्होंने तो बहुत मैसी हो गया, क्योंकि ऐसे ही रहता है यार काम चल